कस्बा छाता में नगर का विकास न होने की वजह से और नाले न बनने की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक जनाजा गंदे पानी में होकर निकालना पड़ा। छाता में नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा लगातार विकास कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस दावे की बारिश ने पोल खुल कर रख दी। छाता में जैसे ही बारिश हुई तो इस विकास की भी पोल खुल गयी। ईदगाह पर भरे हुए पानी को लेकर आज भी नगर पंचायत मौन नजर आता है, जबकि यहां पर लाखों रुपए खर्च कर विकास कार्य कराया गया है, लेकिन ऐसा विकास कार्य किस काम का जो थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए। आज मुस्लिम समुदाय के कई दर्जन लोग गंदे पानी से जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे और उस व्यक्ति को दफनाया। लोगों ने अपने साथ हुई समस्या को लेकर नगर पंचायत चेयरमैन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर केवल विकास के नाम पर कमीशन खाया गया है, विकास तो कहीं कराया ही नहीं गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफुद्दीन है। क्या परेशानी है यहाँ? जो है परेशानी है, कब्रिस्तान में जो है पानी भरा रहता है हमेशा, और ये नाले बनाए कोई काम के नहीं बनाए, अभी तक रोड पे पानी भरा हुआ है। इतनी परेशानी 5 साल से ये झेल रहे हैं हम लोग, ऐसे में कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब में जो है करला लिया हमने, कोई कोशिश ना हो रही, ये अभी भी पानी भरा है। देखो हम पानी में निकल के आए, अभी तक कोई मट्टी भी जो है हमने ही डलवाई अपने पास से, इतने दिन हो गए कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। इसके बारे में स्थानीय चेयरमैन से मिले थे आप? स्थानीय चेयरमैन से मिले, कई बार होके आए। क्या सोल्यूशन दिया उसमें? उसने करवाया कर के वो अभी नाले का वो हुआ नहीं है, पानी का इंतजाम, पानी निकलवाने का इंतजाम नहीं हुआ अभी तक। बताइए नेताजी क्या परेशानी है यहाँ? ये यहाँ पे परेशानी है, ईदगाह है और ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है। आज भी लोग, एक इंतकाल हो गया एक बुजुर्ग का, उनको दफनाने के लिए लोग आए, जो पानी में होकर के जाना पड़ा है, ठीक से नमाज भी यहाँ पैदा नहीं हो सकी है। और ये लाखों रुपए का नाला बना करके तैयार किया हुआ है, ये किसी काम का नहीं है, और इसको इस तरह से बनाया गया, ये किसी प्रयोग में नहीं आ रहा, केवल इसको बना करके कमीशन खा लिया गया नगर पंचायत के द्वारा और उसके चेयरमैन के द्वारा। पिछली बार भी आज से करीबन 1.5-2 साल पहले पानी जो यहाँ पे छोड़ दिया गया तो ईदगाह की जो दीवार थी वो दरक गई। इन सभी लोगों ने हमको आकर के बताया तो जो पानी जहाँ से आ रहा था हमने उसको रुकवाया, और जो स्थानीय चेयरमैन को इन लोगों ने बताया तो कह रहे कि देवी आपदा है, मैं इसमें क्या कर लूँ, एक धार्मिक संस्था है, इसकी बिल्डिंग टूट जाएगी, कौन इसको बनवा देगा। छाता नगर की जनता को पूछना चाहिए उस स्थानीय चेयरमैन से, वो लगा कर चश्मे घूमता रहता है, काम धाम दो पैसे का कर नहीं रहा है कहीं भी है। ये जब नाला बनवाया गया है तो वो विभाग के इंजीनियर आकर के बताएं, वो चेयरमैन उनसे बात करें कि ये काम में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ये प्रयोग में नहीं आ रहा है, क्यों ये बनवाया गया था फिर, और जब नहीं है तो संबंधित संस्थाओं से बात करके इसको ठीक करवाए। लाखों रुपए की राशि पर इन लोगों को इतनी बड़ी परेशानी का यहाँ पर जो झेलना पड़ रहा है स्थानीय नगरवासियों को, काम धाम के नाम पर यहाँ कुछ हो नहीं रहा। और ये आज की समस्या नहीं है, वर्षों से ये लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। ये मेन रोड है छाता का, और इस मेन रोड की हालात भी ये बनी हुई है कि पानी की ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक ना होने के कारण आज भी जो यहाँ घोटू घोटू पानी में लोगों को चलना पड़ रहा है। और जब छाता का चुनाव हो रहा था, छाता की जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी के ड्रेनेज की थी, उस समय जो है बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, और आज ये स्थिति हो गई है कि जहाँ पैसा लग भी गया, नाला बन भी गया, लेकिन नाला किसी प्रयोग में नहीं आ रहा है। अब वो लोग कहाँ सोए हुए हैं, क्यों नहीं वो स्थानीय चेयरमैन बात कर रहा है उन संस्थाओं से जिन्होंने इस नाले को बनाकर खड़ा किया है, क्यों इस पानी की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्यों जो दूसरे ने कहा इस पानी आकर के यहाँ छोड़ दिया जाता है, इस बिल्डिंग को गिराने के, इस इमारत को गिराने के लिए। अच्छा, इस नाला निर्माण में किसकी लापरवाही दिख रही है आपको इसमें? देखिए, इस नाला निर्माण में सीधी लापरवाही मैं तो कहूँगा स्थानीय नगर पंचायत के चेयरमैन की दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी होने के नाते कोई भी संस्था उसको बना रही है, वो ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है। आपने देखा होगा सड़क करंजे बनते हैं तो वार्ड के मेंबर और चेयरमैन जा करके देखते हैं भाई ईंट अच्छी क्यों नहीं लगाई जा रही। तो जब वाटर का यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से नहीं बन रहा था, क्या मकसद बस इतना रहा कि पैसा जो है इसको लगा करके और कमीशन खा लिया जाए, इस उद्देश्य के साथ में काम किया गया?